सोचिए दीदी भैया लोग में आप लोग एक बात, आज मैं गुरु चर्चा आप लोग का नाम का घोषणा कर देती हूँ, आपको मैं चैनल पे भी डाली हूँ कि तीन सूत्र करने के लिए। मान के चलिए अगर आप नाम, अगर मैं नहीं बोलती कि आप लोगों का कोई भी दिक्कत हो, चाहे गुरु के संबंध में आप लोगों में कभी मैं चर्चा ही नहीं की करती, आलोचना ही नहीं करती, शिव गुरु क्या है, किस तरह से दया करते, इस तरह का मैं अगर नहीं बोलती तो आप लोग को पता चलता कि आप लोग बोलते कि हाँ लीला दीदी मेरा नाम का घोषणा कर दीजिए, मेरे भी जीवन में कष्ट है, इनको ठीक कर दीजिए, क्या बोलते, कभी नहीं बोलते। आज मैं बताई हूँ कि गुरु क्या है, गुरु चर्चा क्या है, गुरु से हमें क्या मिला है, गुरु से हमें क्या मिल सकता है, गुरु से हम कहाँ तक जा सकते हैं, तब जाके आज आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हो, मैं उन नाम का घोषणा करती हूँ। तो यही आप लोगों से मेरी हमेशा निवेदन रहेगी कि आप लोग भी इसी आधार पे चलिए, ऐसे ही गुरु का काम करते रहिए, आपका जीवन में जो भी कष्ट है महादेव सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, वो पल पल दया करते हैं, दया हमें लेना नहीं आता है, आपको लेना नहीं आता है, बस गुरु का काम करते रहिए तो देखिए दया बरसती रहेगी। इसी के माध्यम से आप लोग को भी चलना है, मैं भी चलती हूँ, बस गुरु का काम करते रहिए, देखिए आपके जीवन में किसी प्रकार की कष्ट नहीं होगी, किसी प्रकार की दुख नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। महादेव मेरे भी जीवन में बहुत तकलीफें थी, पर अब मैं आप लोग को ठोक बजा के कहती हूँ कि जब से महादेव हमारे जीवन में आए हैं, बस कष्ट क्या है, देखिए हम इंसान मृत लोक में वास करते हैं, सुख और दुख एक गाड़ी का दो पहिया है, अगर एक ना रहे तो एक के बिना एक अधूरा है, इसी तरह से सुख और दुख हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। सब संसार में सुखी सुख करे तो सुख सोचिए किसी को कोई नहीं पूछेगा इस संसार में, तो सुख और दुख तो होना ही होना है, कभी हम हंसते कि रात होता है तो फिर सुबह भी होता है ना, फिर सुबह होता है तो फिर देखिए रात भी होता है, इसी तरह सुख भी है जीवन में, दुख भी है जीवन में, तो जब हम सुख से नहीं घबराते हैं तो हमें दुख से भी घबराना नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम वो दिखता है लोगों को, तो जब दुख आता है तो हमें दिखाना नहीं है, उसको हमें दबा के रखना है, और सुख आता है तो सुख दो मिनट के लिए है, पर दुख जो है हमारे हमारा साथी है, वो हमारा जिस तरह से हम चलते हमारा छाया होता है ना, वो छाया की तरह होता है दुख, तो हमें उसको लेके चलना है। बस महादेव को इतना कहना है कि हे गुरुदेव अगर किसी प्रकार का दुख आती है जीवन में तो बस आप सहने का शक्ति दीजिएगा, बाकी बात तो आप सब जानते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग को बताई हूँ, मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी, अगर किसी प्रकार का समझ में आप लोग को नहीं आए, चाहे कोई उलझन हो चाहे कोई दिक्कत हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसका उत्तर आप लोग को दूंगी। मैं फिर से आप लोग को तहे दिल से गुरु सहोब प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।